देखिए बहुत सारे कस्टमर ऐसे आपके पास आते होंगे जिनको कि फोटो ज्वाइंट करवाना है, बट आप देखते होंगे कि उनके पास दोनों का एक ही फोटो होता नहीं, दोनों का उनका अलग अलग फोटो होता है। यानी कि कोई बाहर में रहते हैं तो उनका एक फोटो होता है और जो कस्टमर आए उनका भी फोटो रहता है, तो दोनों अलग अलग फोटो रहता है और दोनों को कहते हैं कि एक में ज्वाइंट करने के लिए। तो फिर आप कैसे एक में दोनों का ज्वाइंट फोटो आप निकाल सकते हैं और किस साइज में रखेंगे और A4 और 4x6 में आप किस तरीके से इसे ला सकते हैं और दोनों का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, दोनों का क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो इसमें आप सीख जाएंगे कि ज्वाइंट फोटो कैसे बनाते हैं, अदर अदर फोटो अलग अलग फोटो को लेके दोनों का बैकग्राउंड चेंज करके और उसमें क्वालिटी कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जानते हैं कि कैसे हम इनका फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे और दोनों को ज्वाइंट भी करेंगे अच्छे तरीके। देखिए यहाँ पे दो फोटो हैं, इन दोनों फोटो को हमें क्या करना है कि ज्वाइंट करना है। तो अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो ये फोटो है, और सेकेंडली अगर इसे हम बड़ा करके देखें तो ये फोटो है, बट ये बहुत ज़्यादा भी लंबा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे लेके आएंगे फोटोशॉप में इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे एंड इसको इतना क्रॉप हम कर लेते हैं जितना हमें चाहिए इस तरीके से। अब एंटर करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे, ये सेव हो जाएगा उस फॉर्मेट में। फिर इसको आएंगे यहाँ से, इसको भी हम कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी एंटर करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ये भी सेव हो जाएगा, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों फोटो का, अगर हम इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो क्या आ रहा है, एकदम पूरा छोटा में आ गया। अब इसे हम रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव बीजी जो वेबसाइट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है रिमूव बीजी, तो देखिए रिमूव बीजी आ चुका है, तो हम इसे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी हमारा रहेगा इसे हम चूज करेंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब देख सकते हैं कि इसका ये बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है, बट हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे कोई भी ऐड करके यहाँ पे कोई भी हम कलर में कोई भी कलर यहाँ से फिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम बैकग्राउंड जो है कि इरेज ही रहने देंगे, यहाँ पे हम इसे ट्रांसपेरेंट रहने देंगे और इसे यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। इस तरीके से ये हो जाएगा डाउनलोड। तो सेकेंड जो फोटो है उसको भी यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाते हैं ये वाला पे और इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड, ये दोनों डाउनलोड हो चुका है। अब हम आएंगे फोटोशॉप में, अब डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हम जब डाउनलोड करते हैं तो वो हमारा डाउनलोड फाइल में चले जाता है। तो यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ और इसे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का पीछे में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक पेज लेना पड़ेगा, बट पेज का कलर हमें चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, तो कंट्रोल एन करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें व्हाइट आ रहा है, तो बैकग्राउंड कलर रखेंगे, बट यहाँ पे कलर भी चेंज करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कौन सा कलर चाहिए, जैसे कि हमें ये ग्रीन कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे टिक किए, ओके किए, कंट्रोल एन करके एक नया पेज लेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे और यहाँ पे कोई सभी रहने देंगे, ओके करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन में आ गया। अब इन दोनों फोटो को हमें इसके अंदर लाना है इस तरीके से, इसको भी ला लिए, अब इसको भी पकड़ के इसमें ला लिए, ये दोनों फोटो आ चुका है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, इसको कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस करते हैं तो ये बड़ा होते जाएगा, और स्क्रॉल बटन के साथ आप इसको नीचे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये आ चुका है। अगर बात करें तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दें। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कर देते हैं, बट ध्यान दें कि अगर दोनों का फोटो देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा है, बट आप किसी का भी फोटो निकालेंगे तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब हम दोनों को सटा दिए हैं, अब क्या करते हैं, आएंगे क्रॉप पे और इस तरीके से यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इतना पे हमें क्रॉप कर लेना है, क्योंकि अगर ज्वाइंट फोटो बनाते हैं तो इसी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गया, एंटर करेंगे ये हो गया, बट अभी ये देख सकते हैं तीनों लेयर अलग अलग है, तो तीनों को एक में करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। देख सकते हैं ये एक में बन गया। अगर आपको ये लग रहा है कि ये फोटो का क्वालिटी थोड़ा खराब है, तो इसको हम यहाँ से कटआउट प्रो में जाके क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे सेव पे क्लिक करेंगे, इसमें आएंगे यहाँ पे हम JPG ले लेते हैं डेस्कटॉप एंड यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, अब यहाँ से इसे छोटा करके मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आते हैं कट आउट प्रो में, यहाँ से हम लिखेंगे कट आउट प्रो और यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे हमारा फोटो, यहाँ पे इनको हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, कोई सा भी एक यहाँ से चूज कर लीजिए जो भी आपका ईमेल आईडी से कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं, देखिए दोनों में कितना का अंतर है, ये फोटो पहले का और ये ओरिजिनल क्वालिटी होने के बाद है, देखिए दोनों में कितना का अलग अलग दिख रहा है, ये एकदम पूरा क्वालिटी बेस्ड दिख रहा है जैसे HD 4K में, बट ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड फाइल में चले गया। अब आते हैं फोटो में, अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर आएंगे, यहाँ से हमें डाउनलोड फाइल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ चुका है। अब इसे कंट्रोल एन करेंगे, अब किस फॉर्मेट में लेना है, A4 में या 4x6 में,
तो चलिए हम A4 486 दोनों में बदलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए अभी ये क्या रहा कलर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कट कर देते हैं, कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से आके हमें बैकग्राउंड में व्हाइट रख देना, ओके करेंगे, ये आ चुका है। अब इसे यहाँ से पकड़ के हम इसको यहाँ से रख देते हैं। अब देखिए ये जो फोटो है ये हमें लगभग 4 फोटो निकालना है A4 के अंदर, तो कैसे निकलेगा एक लाइन में, तो इसको कंट्रोल टी यानी कि कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म में और इसे शिफ्ट को दबा के नीचे से पकड़ के इसको इस तरीके से रखेंगे। अब ये हो गया, अब एंटर करते छोटा इधर कर लेते हैं। अब एडिट पे आएंगे, यहाँ से आके स्टॉक लगा देंगे, स्टॉक हमें 5 रखना है, ओके करेंगे। अब अल्ट और शिफ्ट को दबा के आप इसको खींच सकते हैं। अब दोनों को एक साथ लाने के लिए कंट्रोल ई 2 बार प्रेस करेंगे और दोनों को खींच लेंगे। अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। हम कंट्रोल जेड करके हम 2-3 स्टेप पीछे आ गया, फिर हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं और अब इस बार हमें परफेक्ट मिल जाएगा जो हम फोटो बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कंट्रोल ई, या हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई अब दबाएंगे, तो देखिए दोनों एक साथ आ गया। अब इसको यहाँ से हम पकड़ के खींच लेते हैं, ये हमारा परफेक्ट साइज आ चुका है, इतना छोटा बचना ही चाहिए इनको करने के बाद। तो ये देख सकते हैं इसमें 4 आ चुके हैं। ये हम उसके बाद कंट्रोल पी करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसे स्केल टू फिट करेंगे, प्रिंट में आएंगे, यहाँ से जो भी हमारा चूज कर लेंगे और प्रॉपर्टीज में आके हमें यहाँ पे अपना जो इस तरीके से रखना है, जैसे A4 है तो A4, प्लेन है तो इसको एब्सेंट कर देते हैं, स्टैंडर्ड है तो हाई कर देते हैं। तो जो भी आपका प्रिंटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हाई ही रखेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये था A4 में। आप चलते हैं 4:6 में, कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4:6 में ओके में, इतना करने के बाद इसे हम इसमें मूव कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा है, तो कंट्रोल टी करके इसको पहले छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट को दबा के रखेंगे और यहाँ पे जो नीचे में एरो की बन रहा है हम इसे दबा के इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए एकदम इतना पे, हाँ इतना पे सही है। एरो की से दबा के थोड़ा सा इधर करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे एडिट में और यहाँ पे आएंगे स्टॉक में, सॉरी ये फिल हो गया, हम यहाँ से आएंगे एडिट में और स्टॉक में, यहाँ से हम क्या करेंगे ओके, ये बन चुका है। अल्ट शिफ्ट को दबा के रखेंगे, ये 2 हो चुका है, देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, तो इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी करके इस तरीके से। इसमें दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा निकलता नहीं, देखिए एरो की से एकदम ये परफेक्ट है। अब कंट्रोल ई दबाएंगे, अब देख सकते हैं दोनों मर्ज हो चुका है। अल्ट शिफ्ट को फिर दबा के रखेंगे 2, अगर आपको टोटल 8 निकालना है तो फिर कंट्रोल ई दबाइए, 4 हो गया, और एक साथ इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको जितना निकालना है आप निकाल सकते हैं, बट हमें 4 निकालना है तो 4 क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटो निकाल सकते हैं। फिर कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ स्केल टू मीडिया फिट प्रिंट पे आएंगे, चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, सॉरी यहाँ पे आएंगे जो भी प्रिंटर रहेगा चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स आ जाए यहाँ पे हमें क्या देना है 4:6, अगर आप यहाँ पे A4 रखेंगे तो पेपर छोटा हो जाएगा, यहाँ से अपना चूज कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे चूज करेंगे, स्टैंडर्ड को हाई कर देंगे, ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्वाइंट फोटो किसी का भी बना सकते हैं, जो कि अलग अलग फोटो अलग अलग बैकग्राउंड का, उसका बैकग्राउंड ऐड करके आप इन सब काम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से।